हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी होगी जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने IVF करवाया, जिससे मुझे ट्विन्स प्रेगनेंसी हुई, मेरे दो बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का, वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है IVF के रिगार्डिंग ही। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि अगर डॉक्टर ने आपको, जैसे हमारा AMH लेवल कुछ लड़कियों का बहुत कम होता है और एग की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं होती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, हमें आपके एग्स नहीं, हमें एग डोनर की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिससे आप अपना मतलब बेबी कर सकोगे, आपका IVF हो सकेगा। होगा आप ही के अंदर, आप ही के अंदर आपका एम्ब्रियो बना के डाला जाएगा। आपके हस्बैंड के स्पर्म आपके हस्बैंड के ही होंगे, लेकिन जो एग है वो आपका अच्छा नहीं है, वो हम एग डोनर से ही करेंगे। तो उसके लिए भी आजकल जो लॉ बन गए हैं, पहले तो ऐसा ही कि कोई भी कर लेता था, लेकिन अब साल डेढ़ साल से तो से भी ज़्यादा ही, जब से बच्चे, हाँ डेढ़ साल से तो ये लॉ बन चुका है कि बहुत सारे हमें रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, तो फिर ही आप एग डोनर की हेल्प ले सकते हो, उसका एग ले सकते हो। तो मैं आज आपको कुछ डिटेल में बातें बताने वाली हूँ कि क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले जो मैं बात करती हूँ, आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ मैं। जैसे कि हम जैसे एग लेते हैं, जैसे हम ब्लड लेते हैं, तो ब्लड बैंक बने हुए होते हैं ना, तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने एग बैंक भी बना दिए हैं। जैसे अगर किसी को ज़रूरत हो तो ARTI के नाम से एक एग्स का बैंक है, जहाँ से आप एग डोनर ले सकते हो। तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि जब भी आप, चाहे आप अपने किसी रिलेटिव को लो, है ना, चाहे आप किसी अननोन को लो, तो भी आपको ARTI के मतलब थ्रू ही एग्स जो है आप अपने ले सकते हो। डॉक्टर एग उनके उनको इंजेक्शन लगा के उनके एग निकाल सकते हैं। वैसे नहीं किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर भी प्रॉपर जो है वो रूल को फॉलो करते हैं। तो अब ये जो एग जो बैंक है उसने बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं, तो उसमें जो रूल्स हैं वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले मैटर करती है एज। डॉक्टर जो हैं उनको भी लगता है कि जो कम एज है उसमें एग्स जो है लेडी के अंदर अच्छे होते हैं। तो बैंक ने जो ARTI है उसने भी लॉ बना दिया है, तो 23 साल से लेके 35 साल की जो लेडी है उसके ही एग लिए जाएंगे। उससे अगर 35 साल से ज़्यादा है तो उसके एग नहीं लिए जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि कभी कभी तो हम देखते हैं कि हम तो ये चाहते थे कि 30 साल तक ही ये एज होनी चाहिए, 25 से 30 साल तक, लेकिन अब लॉ बन गया है तो देख लेते हैं, अगर एग बनते हैं तो उनके ले लिए जाते हैं। अब क्या होता है कि अगर आपकी जैसे आप बैंक के थ्रू ले रहे हो, तो उनको आपके नोन नहीं है, तो वो जो लेडी है उसको आपके बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा और आपको उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। जैसे हम ब्लड लेते हैं ना, सिंपल सी बात है, जैसे हम ब्लड बैंक से ब्लड लेके आते हैं, हमें पता थोड़ी होता है कि ये किसका ब्लड है ना। तो ऐसे ही एग में जब आप लोगे तो भी आपको बिल्कुल जानकारी उसके बारे में और उसको आपके बारे में नहीं दी जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को ही पता होता है। तो एक तो एज हो गई और एक हो गया कि बिल्कुल एक दूसरे को आप नहीं, आप मिल नहीं पाओगे एक दूसरे से। और जो तीसरी बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी बहुत मुझे लगता है एक अच्छी बात है। तो अगर लेडी जो है वो मैरिड है, डॉक्टर वो चाहते हैं कि ये लॉ बना नहीं है, लेकिन डॉक्टर चाहते हैं कि उस लेडी का एक बच्चा पहले ज़रूर हो, ताकि डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें पता चल सके कि उस लेडी की जो एग्स हैं उनकी पहले क्वालिटी कैसे है, या फिर बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारे ये डॉक्टर की राय है, जो कुछ डॉक्टर्स हैं उनकी राय है कि हम चाहते हैं कि उस लेडी का एक बच्चा तो एटलीस्ट ज़रूर हो। जैसे अगर आपकी सिस्टर है छोटी, या फिर आपकी देवरानी है, कोई भी है जो आपसे मतलब दिल से अटैच्ड है, रिश्तेदारी में बात कर रही हूँ, वैसे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो उसका एक बच्चा तो ज़रूर होना चाहिए। तो एक और जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो भी बहुत ही ज़रूरी है आपके जानने के लिए, क्योंकि अगर आप अपने किसी नन से या फिर अपनी देवरानी से या बहन से ले रहे हो, तो वो लेडी एक ही बार में सिर्फ एग डोनेट कर सकती है, या फिर अगर
वो बाकी तो पता ही होगा जो बैंक के है, लेकिन अगर आप कोई लोन आपका कर रहा है तो सिर्फ एक बार में ही वो कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। जैसे एक बार उनके इंजेक्शन लगेंगे, एक बार ही उनका एग रिट्रीवल होगा, जितने एग्स उनके बन गए जो निकाल लिए वो बस एक ही बार हो सकता है, उसके अलावा दूसरी तीसरी बार ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि बाहर के देशों में ऐसा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा ही है। फिर ये लॉ बना है कि ज़रूरी नहीं है कि वो लेडी मैरिड ही होनी चाहिए, वो अनमैरिड भी हो सकती है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि इतनी जल्दी शादी नहीं होती है, तो लड़कियाँ जो हैं अगर वो चाहती हैं तो वो अपना एक बार में एग डोनेट कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो शादीशुदा हो। बहुत अच्छी बात और है कि ARTI वाले उस लेडी का पूरे एक साल का हेल्थ इंश्योरेंस करवा के देते हैं, ताकि अगर उसको एक साल के अंदर कोई प्रॉब्लम आए या फिर जैसे इंजेक्शन की लगते हैं उसकी वजह से, हालांकि वैसे कोई प्रॉब्लम होती तो नहीं है, अगर बाय चांस पता नहीं होता अगर कुछ आए तो वो एक साल का प्रॉपर उसका इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कि अगर उसको एग रिट्रीवल के बाद भी अगर उसको पूरे एक साल में कोई दिक्कत आती है तो वो सारे का सारा उसके इंश्योरेंस में इंक्लूड होता है। और फिर ये जो लेडी होती है ARTI जिसको एग के लिए भेजते हैं एग डोनेट करने के लिए, उसके प्रॉपर हर एक टेस्ट होता है, ये नहीं है कि वो ऐसे ही आ गई है और ऐसे डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाने स्टार्ट कर देंगे, प्रॉपर उसके ब्लड टेस्ट होते हैं और भी जो भी डॉक्टर को जो भी उस क्राइटेरिया में है वो सारे के सारे टेस्ट उस लेडी के उस लड़की के किए जाएंगे। तो हर चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि उस डोनर का जो वो एग डोनेट कर रही होती है उसके प्रॉपर एफिडेविट बनता है, प्रॉपर उसके साइन होते हैं उस लड़की का या फिर उस लेडी का और उस लेडी के हस्बैंड का, उसके बाद उस बच्चे से कोई भी लेना देना नहीं होता है, वो उसका कोई हक नहीं होता है उसके ऊपर, ये नहीं है कि कल को आके वो कहे ये तो मेरा बच्चा है और ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉपर ये कानूनी तौर पे उनसे साइन करवाए जाते हैं, उससे भी और उसके हस्बैंड से भी, कि ताकि आगे जाके उसको कोई प्रॉब्लम ना। तो एक बात जो है डॉक्टर्स को भी बड़ी अजीब लगी है, क्योंकि इससे और भी लेडीज की हेल्प हो सकती थी जो कि नहीं हो रही है। वो लेडी के जो एग्स हैं, लॉ ऐसा बना है कि जो लेडी एग डोनेट कर रही है अगर उसके जितने मर्जी एग्स निकले, क्योंकि क्या होता है जो हेल्दी मतलब होती है एज कम होती है उसमें जब इंजेक्शंस लगाते हैं फॉलिकल्स बनाने के लिए तो बहुत सारे एग बन जाते हैं, जैसे 10-12 भी बन सकते हैं, इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन लॉ ऐसा बना है कि उस लेडी के जो एग्स हैं वो एक ही लेडी के लिए यूज़ होंगे और किसी पे नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत डॉक्टर्स भी इस बात को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हैं कि ये तो कोई मतलब होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें बहुत कमी आ रही है एग डोनर की, क्योंकि अब ऐसे तो है नहीं कि कोई भी मुँह उठा के अब मैं चली जाऊँ कि मुझे एग डोनेट करनी है, कोई भी नहीं जाता है, तो कुछ कुछ ही होते हैं जो करवाते हैं अपना एग डोनेट करते हैं, है ना, तो ऐसे तो कोई नहीं हो रहा। तो डॉक्टर कह रहे हैं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जो कि ये लॉ बन गया है, हालांकि बाहर के देशों में ऐसा नहीं है। और फिर अगर उसके, क्योंकि अब जैसे वो और एक लॉ जो है मतलब इसी के अंडर है, कि पहले तो ये बना था कि उस लेडी के आप सिर्फ और सिर्फ 7 एग निकाल सकते हो, तो फिर डॉक्टर्स ने सबने उनको पता नहीं कुछ उनका हुआ बात हुई या फिर उनको लेटर लिखा है जो भी हुआ उनका, कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 10-15 एग्स भी बनते हैं और वो एग्स अगर हम निकालेंगे नहीं और अंदर ही छोड़ देंगे तो लेडी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, तो हमें तो सारे के सारे ही निकालने पड़ेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप निकाल सकते हो लेकिन वो एग जो है आप किसी दूसरी लेडी पे यूज़ नहीं कर सकते, जो कि मुझे भी लगता है कि इससे काफ़ी लड़कियों का भला हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा यार ऐसा होता है, एक तो पैसे बच सकते हैं, हाफ हाफ हो जाएगा सब में, है ना, और इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आता है, तो ये नहीं है कि ये सब आपको पता है फ्री में तो होता नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी बात हो गई है कि आप अगर जो एक बैंक है उससे लोगे तो आपको ये लूट वाला काम नहीं होगा, है ना, और अगर आप अपने किसी रिलेटिव से भी ले रहे हो तो ज़रूर आप लॉ के अकॉर्डिंग चलो, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना आए और उस जो दे रहा है उसको भी कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारी जो बातें बताई हैं आई होप भी आपकी हेल्प करेंगी, अगर किसी को एग डोनर के लिए बोला गया है तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इसमें सारी चीज़ें मैंने वैसे क्लियर कर दी हैं,
अगर कोई बात आपको पता हुई तो जरूर नीचे कमेंट कर देना ताकि किसी दूसरी लड़की को हेल्प मिल सके। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय। बाय कटू बाय।